आतंकी हमले की सूचना के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। बीएसएफ ने इन लोगों से एक फॉर्चुनर गाड़ी सहित 9,88,000 रुपए नगद बरामद किए हैं और उसके बाद 5 संदिग्धों को खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द भी कर दिया गया है। पुलिस ने संदिग्धों को राउंड अप कर धारा 102 में मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जाँच एजेंसियाँ 5 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये 5 लोग खाजूवाला क्षेत्र 44 केवाईडी के स्थानीय निवासी हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। आतंकवादी हमले की सूचना के बाद कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है और इसी बीच बीकानेर के खाजूवाला से बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है और खाजूवाला पुलिस को भी अब सुपुर्द कर दिया है। लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और उनके साथ से फॉर्चुनर गाड़ी और करीब 10 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। संदिग्ध युवकों पर 102 में मामला दर्ज करके सारी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां लगातार संयुक्त पूछताछ कर रही हैं 5 संदिग्धों से। अधिकारी आए थे और 5 व्यक्ति लेके पकड़ के लाए और उन्होंने बताया कि 44 के वैडी है, पीएस खाजूवाला में पड़ता है। वहाँ पर 5 व्यक्ति थे जिनके पास उनकी दोनों की ढाणियाँ हैं, एक दो तो विष्णु ही हैं, 3 जाट हैं, उनकी ढाणियाँ पास पास में ही हैं। तो वहाँ फॉर्चुनर गाड़ी कहीं रास्ते पर खड़ी थी। फॉर्चुनर गाड़ी के अंदर जब तलाश की बीएसएफ ने तो उसके अंदर 9,88,000 रुपये मिले। उसके आधार पर बीएसएफ ने गहनता से पूछताछ की और फॉर्चुनर गाड़ी में 5 व्यक्तियों के और जो राशि उन्होंने बरामद की उसके यहाँ लेके आए हैं, उसकी जाँच कर रहे हैं, राशि जब्त कर ली गई।